हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ हमें एक ही वेरिएबल अपॉन में गिवन है, ठीक है। जब हमें एक ही वेरिएबल दिया है तो सिर्फ हम ये हम इससे पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी डिनोमिनेटर रूट में गिवन हो तो उसको कोई और वेरिएबल में कन्वर्ट करके लीनियर इक्वेशन बनाई जाती है, देन सॉल्व करते हैं। बाकी आपको अगर और डिटेल में तो आप हमारी पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है 1/x, तो इसको हम कुछ और मान लेते हैं। तो हमने लेट किया कि जो हमारा 1/x है वो a है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 1/x की जगह a आ जाएगा प्लस 3y = 40। नंबर का प्लेस चेंज नहीं करना है, नंबर एज इट इज रहेगा। सिर्फ जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट था उसको हटा कर ए आ जाएगा, वो भी ऊपर ही आएगा, नीचे नहीं आएगा, क्योंकि लेट करने का पर्पस यही होता है कि हम वेरिएबल को डिनोमिनेटर से हटा सके। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेम यहाँ ये 3 का 3 जो 1/x है उसकी जगह ए आ गया -4y = 23। योगी इक्वेशन सेकंड। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम y को सेम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ 4 है। तो अगर हम इस इक्वेशन को 4 से कर दें और इस इक्वेशन को 3 से कर दें तो यहाँ पे भी 12 आ जाएगा, यहाँ भी 12 आ जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 4 एंड सेकंड बाय 3, ठीक है। और उसके बाद ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको 4 से करेंगे, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 14 4 जा 56। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक टर्म को करते हैं। सेम या इसको 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इसको करेंगे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ऐड करना है तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 16 प्लस 9 25 = इसे ऐड करते हैं, 9 और 6 15 और 6 और 6 12। अभी मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 25 5 25 25 5 125। एक ही वैल्यू क्या आ गई, 5। किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो पुट फर्स्ट, तो 4 × एक ही जगह क्या आ गया, 5 प्लस 3y = 40। 4 5 20 प्लस 3y = 14, ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 3y = -6, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -6/3। कट करते हैं तो y आ गया -2, ठीक है। y तो निकल गया बट अभी x बाकी है, क्योंकि ये वैल्यू जो आई थी वो एक ही आई थी, x की नहीं आई थी, तो अभी x निकालना है। तो x को हमने क्या माना था, हमने लेट किया था कि 1/x a के इक्वल है, तो 1/x = a के आया था 5, नीचे 1 लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो गया 5x = 1। हमें x चाहिए तो मल्टीप्लाई करा के डिवाइड, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि हम आगे और से अच्छी वीडियो बना सकें।